आखिर तुम लड़कों को क्या चाहिए एक रिलेशन में? लॉयल्टी, जो तुम्हारे बस की बात नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपका भाई फिर से लेके आ चुका न्यू लिरिक्स एटीट्यूड डीजे व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेके आ चुका दोस्तों। जिस तरह का भी अपने प्रीव्यू पर देखे थे दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ इसी प्रकार का न्यू लिरिक्स डीजे व्हाट्सएप स्टेटस एटीट्यूड पर क्रिएट करने वाले, अभी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से वीडियो क्रिएट करने के लिए आपके मोबाइल दो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एक आपको कैपकट को डाउनलोड करना, सिक्योर वीपीएन दोनों डाउनलोड करके वीपीएन को कनेक्ट कर लेना। उसके बाद कैपकट को ओपन कर देना। ओपन कर देने के बाद मैं क्या करना था, मैं टू चैट प्रोसेस बताने वाला, तो वीडियो पर बने रहो। सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दोगे, फिर यहाँ से वीडियो लिरिक्स को ऐड कर लेना। जैसे फाइनली वीडियो लिरिक्स मैं ऐड कर लेता हूँ। वीडियो लिरिक्स ऐड हो जाने के बाद इसका साउंड सबसे पहले म्यूट कर देना। जैसे मैं इसका साउंड यहाँ से म्यूट कर देता हूँ, उसके बाद स्लाइड करके लास्ट पोजिशन पर आ जाना। जो कैपकट का लोगो रहेगा इसको यहाँ से डिलीट कर देना। डिलीट कर देने के बाद से ऐड पे क्लिक करना, जो प्लस का चिन्ह दिख रहा है, और यहाँ से आपको फोटो पे आ जाना और अपना गैलरी से आपको अपना फोटो डाउनलोड करके इसमें ऐड कर लेना है। तो अपना खुद का फोटो ऐड कर सकते हैं। तो चलो मैं अपना गैलरी से फटाफट से जो फोटो है नीरज भाज का ऐड कर लेता हूँ। इस तरह से अपने सबसे पहले 9 फोटो ऐड कर लेना है। जैसे फाइनली मैं फटाफट से 9 फोटो ऐड कर लेता हूँ। इस तरह से फटाफट से फाइनली 9 फोटो ऐड कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद क्या करना, फोटो पे क्लिक करना। आपको इसको इस तरह से फिल स्क्रीन एडजस्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो 9 के 9 के फोटो को फटाफट से इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो चलो फ्रेंड्स, फोटो फटाफट से एडजस्ट कर लेते, उसके बाद वीडियो प्रोसेस से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सो फ्रेंड्स देखो, फाइनली मेरा फोटो एडजस्ट हो चुका है। हो जाने के बाद उसमें सॉन्ग ऐड करना। सॉन्ग ऐड करोगे उसके बाद फोटो को बीट के साथ एडजस्ट करना। सॉन्ग ऐड करने के लिए आपको ऐड ऑडियो पे क्लिक कर देना, उसके बाद हमें फाइल पे अपना क्लिक कर देना। जो साउंड है मेरे वीडियो में, तो उस वीडियो को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो मैं सबसे पहले अपना जो सॉन्ग है वीडियो पे आ जाता हूँ। वीडियो मेरा कहाँ पे, मैं उसको फाइंड कर लेता हूँ। तो अब इस तरह से आपको सॉन्ग को ऐड करना। तो मैं वीडियो फाइंड कर लेता हूँ, मेरा वीडियो कहाँ पे तो दिख नहीं रहा। तो ये रहा वीडियो, मैं इसको यहाँ से इस तरह से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो सॉन्ग मेरा ओनली इंपोर्ट हो जाएगा। इसको सॉन्ग जो इंपोर्ट हो जाएगा, फोटो एडजस्ट करना। तो फोटो कैसे एडजस्ट करना, अपन देखिए वो स्क्रीन पे शो हो रहा है अपने कितना पॉइंट पे कौन सा फोटो एडजस्ट करना। तो आपको इस तरह से फोटो एडजस्ट कर लेना। देखिए आपको फर्स्ट जो फोटो शो हो रहा है स्क्रीन पर, उसको रखना 9.0.9 पे। सेकेंड फोटो पर क्लिक करना, इसका डिस्टेंस को रखना 0.6 पे। इस तरह से स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस तरह से फोटो एडजस्ट कर लीजिए। चलो मैं फटाफट से फोटो एडजस्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, फाइनली फोटो में सॉन्ग के लास्ट तक एडजस्ट कर लो। उसमें इफेक्ट ऐड करना, इफेक्ट ऐड करने को फर्स्ट दरवाजे जब फोटो स्टार्ट है, फर्स्ट फोटो पे क्लिक करना, एनिमेशन पे वो क्लिक कर देना। एनिमेशन पे क्लिक कर दोगे, कुछ तरह वेट करना कुछ देर तक, उसके बाद इस तरह इंटरफेस खुलेगा, एनिमेशन ओपन हो जाएगा। फर्स्ट फोटो में फर्स्ट नंबर का एनिमेशन ऐड कर देना, इनका उसको घींच के फोटो के लास्ट तक रख देना, डन कर देना। उसके बाद तो अगर 9 में एक फोटो में ऐड हो जाएगा तो 8 फोटो बच, 8 फोटो में फर्स्ट फोटो पे क्लिक करना, एनिमेशन पे क्लिक करना, कॉम्बो पे क्लिक करना। कॉम्बो पे क्लिक कर दोगे, फर्स्ट में इफेक्ट फर्स्ट फोटो में ऐड कर देना, डन करना। फिर सेकंड फोटो में क्लिक करना, एनिमेशन पे क्लिक करना, कॉम्बो पे क्लिक करना, सेकंड नंबर इफेक्ट है सेकंड फोटो में ऐड करना, डन करना। उसके बाद फिर से तीसरा नंबर फोटो पे क्लिक करना, एनिमेशन पे क्लिक करना, कॉम्बो पे क्लिक करना, तीसरा नंबर इफेक्ट ऐड करना, डन करना। उसके बाद तीसरा चौथा नंबर फोटो इस पर क्लिक करना, एनिमेशन पे क्लिक करना, कॉम्बो पे जाना, फिर से यहाँ से चौथा नंबर इफेक्ट इसको ऐड कर देना और यहाँ से डन कर देना। तो चार फोटो में ऐड कर लिया, उसके बाद चार फोटो को मेरा बिना फोटो में इफेक्ट नहीं ऐड हुआ। तो चार फोटो पे, तो उसके बाद जो फोटो का क्लिक करना, एनिमेशन पे जाना, कॉम्बो पे जाना और फिर से फर्स्ट नंबर इफेक्ट ऐड करना, यानी कि इस इफेक्ट को फिर से चार फोटो में रिपीट कर देना, यानी कि रिप्लेस कर देना, फिर से वो ऐड करना। चारों फोटो में कॉम्बो पे आ जाना, फिर दो का दो नंबर ऐड करना, इस तरह से चार के फिर चार फोटो में को ऐड कर लीजिएगा। इस तरह से मैं जिस तरह बता दी इस तरह से ऐड हो जाएगा। 3 का 3 ऐड कर देता हूँ, इसका 4 का 4 ऐड कर देता हूँ। फाइनली फ्रेंड्स, में फोटो में इफेक्ट ऐड हो चुका है, उसमें और एक इफेक्ट ऐड करूँगा, वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। आपको फोटो का स्टार्ट पोजिशन में आ जाना, यहाँ तक जैसे कि यहाँ से आ जाना। आ जाने के बाद इफेक्ट पर क्लिक कर देना, वीडियो इफेक्ट पर क्लिक कर देना। वीडियो इफेक्ट पर क्लिक कर दोगे, कुछ वेट करना पड़ा, उसके बाद इस तरह इंटरफेस खुलेगा, यानी कि ओपन हो जाएगा। उसके बाद स्लाइड करके नीचे आना, नीचे आने के बाद इफेक्ट मिलेगा। तो इस पर है कि या कोई दूसरा फोल्डर पे मैं देख लेता, इस पर नहीं है। तो मैं यहाँ पे लेंस पे क्लिक कर लेता हूँ। लेंस पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, देखता हूँ इसमें है कि इफेक्ट या नहीं है। इसमें भी इफेक्ट नहीं है फ्रेंड्स। तो मैं और स्लाइड कर लेता हूँ, यहाँ रेट्रो पे क्लिक कर देना, आपको शायद इसमें मिल जाएगा इफेक्ट। तो रेट्रो पे क्लिक कर दोगे, थोड़ा नीचे आना फ्रेंड्स, यहाँ रोलिंग फिल में दिखाएगा, इसको क्लिक कर देना। इसको क्लिक कर लोगे, कुछ नहीं करना, यहाँ से वो डन कर देना। रोलिंग फिल का जो इफेक्ट फोटो के लास्ट तक ले आना, डन करना। उसके बाद इसको आ जाना कुछ इधर से फर्स्ट
तरफ आ जाने के बाद और एक इफेक्ट ऐड करना। तो यहाँ पे आ जाना है, फिर से आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना, फिर से वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कर देना, फाइनली फिनिश कर दोगे और यहाँ से आपको आ जाएगा ट्रेंडिंग पे। ट्रेंडिंग पे आ जाने के बाद यहाँ से थोड़ा नीचे आना, इस वाला शार्पनेस को, स्मार्ट शार्पनेस को इसको ओपन करके इस तरह से ऐड कर लीजिएगा। अगर इसमें कुछ थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहते हैं तो एडजस्ट कर सकते हैं, फिल्टर को थोड़ा कम करके देख लेना कि कैसा दिख रहा है। अगर अच्छी तरह आपको अच्छा लगे इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिएगा, इसको भी नहीं ऐड करोगे तो भी चलेगा। तो मैं इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरह से, तो चलो अभी इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा ताकि फोटो में कुछ नया इफेक्ट ऐड हो जाएगा। नहीं एडजस्ट करोगे तो कुछ नहीं करना, ऐसे रिसेट कर देना इसको और ये वाला इफेक्ट रहना जो ऑटोमेटिक है, उसके बाद ऐसे डन कर देना। आपका जो फोटो में प्लस इसका जो ड्यूरेशन है खींच के फोटो के लास्ट तक ले आना, तो बस आपका वीडियो बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं साउंड सबसे पहले म्यूट कर लेता हूँ, कोई वीडियो में प्ले करके कुछ इधर से दिखा दो, आप भी बनाओगे तो वीडियो इस तरह का दिखेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। इस तरह से आसानी से अपना फोटो को न्यू स्टाइल के डीजे और स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं।